श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल, स्पेशली मेकअप लवर्स के लिए जिन्हें मेकअप करने का काफ़ी शौक है और रोज नया नया कुछ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, मेकअप कलेक्शन का बहुत शौक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदते समय हमें किन किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारी मनी वेस्ट ना हो, ज़बरदस्ती हमारे पास फालतू सामानों का कलेक्शन ना हो और जो सामान बिल्कुल हमारी स्किन को सूट करता है, लाइक हमारी स्किन को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे ही हम कलेक्शन में इंक्लूड करें। तो ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करिएगा बिफोर बाइंग एनी मेकअप प्रोडक्ट। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। पहला टिप है दोस्तों, टिप नंबर 1 के स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें कि ये कि नहीं हमने कोई भी चीज़ देखी और हमने सिलेक्ट कर ली। नहीं, हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है, हर किसी की स्किन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज करें। टिप नंबर 2 दोस्तों, अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करें। ये कि नहीं आप थोड़ा सा लाइट डार्क ले लेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्शन उसमें फेयर लगेगा। नहीं, वो फेयर तो नहीं लगेगा और जब आप उसे अप्लाई कर लेंगे तो आपका फेस ऐसा ओवर लगेगा जैसे आपने मेकअप को ओवरली थोप लिया है, तो वो बिल्कुल भी नेचुरल और सटल सी लुक नहीं देगा। तो हमेशा जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कलर करेक्टर्स, कंसीलर्स हैं, फाउंडेशंस हैं, तो इन्हें आप हमेशा अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही खरीदें कि मेरी स्किन पे कौन सा कलर सूट करेगा जिससे कि मेरे जो मेकअप की लुक है वो एकदम नेचुरल है, ओवर सा मेरा फेस ना लगे। टिप नंबर 3 दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी स्किन सबकी एक जैसी नहीं होती है, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हमारी सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी की स्किन में कुछ एक्ने की प्रॉब्लम होती है, किसी की ऑयली ज्यादा होती है, किसी के ब्लेमिशेस होते हैं, किसी के एक्ने स्कार्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तो खरीदिए प्रोडक्ट। लाइक अगर आपके स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा के लिए रहती है या उस टाइम आपको मेकअप करना है जब आपके कोई एक्ने हैं, पिंपल हैं, तो उस टाइप जो आप प्रोडक्ट्स का जो सिलेक्शन करें मेकअप प्रोडक्ट्स वो उसके अकॉर्डिंग करें ताकि जो है आपके जो एरर्स हैं फेस के, लाइक जो कमियां हैं वो उस मेकअप प्रोडक्ट से छिप जाएं और आपकी फेस स्किन को वो नुकसान भी ना करें। दोस्तों एक्सपायरी जरूर चेक कर लें प्रोडक्ट खरीदते समय। कई बार क्या होता है, शॉपकीपर भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब इंटेंशनली हमको एक्सपायरी प्रोडक्ट दे देते हैं, कई बार उनको भी नहीं पता होता और हम गलती से वो खरीद लाते हैं और हम भी घर लाके भी चेक नहीं करते हैं, ना ही हम शॉप पे चेक करते हैं और हम एक्सपायरी प्रोडक्ट लगा लेते हैं जिससे हमारी स्किन पे हो जाती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लाइक एक्ने, पिंपल्स, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो इस टिप का आप जरूर ध्यान रखिए एक्सपायरी आप खरीदते समय भी, और एक्सपायरी जो डेट है, लाइक जैसे अपना रूटीन बना लीजिए कि मंथ में मुझे एक बार अपनी जो पूरे कॉस्मेटिक्स हैं उनको दोबारा से अलमीरा में सेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है अच्छे से क्लीन करके, और साथ के साथ हर महीने उनकी एक बार आप एक्सपायरी चेक करते रहें। अगर वो उस समय एक्सपायरी होते हैं तो उनको तुरंत अपने मेकअप किट से रिमूव कर दें, गलती से आपने यूज कर लिया तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि फर्स्ट टाइम आप जब भी कोई मेकअप प्रोडक्ट लें अपनी कॉम्प्लेक्शन के लिए, लाइक जैसे कॉम्प्लेक्शन के लिए हम लेते हैं ना, कलर करेक्टर हो गया, कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, बीबी सीसी क्रीम, तो ये फर्स्ट टाइम मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट टाइम इसको ऑनलाइन ना लें, ऑफलाइन ही लें। बिकॉज क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी स्किन के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये स्किन के साथ थोड़ा सा भी डार्क होंगे या ज़्यादा लाइट होंगे तो ये हमारा जो मेकअप लुक है उसको बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे और जो हमारा एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन है वो एकदम अजीब सा लगेगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्शन में मैच नहीं होगा और हमारा फेस है अच्छा लगने के बदले बहुत ओवर सा लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड होते हैं उन्हें आप फर्स्ट टाइम ऑफलाइन खरीदें। आप ऑफलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं, आजकल अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं हमारे घरों के आसपास हैं जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और वरना तो कई मॉल्स हैं जहाँ पे क्या है पूरे पूरे स्टोर्स हैं वो कॉस्मेटिक के और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के होते हैं, तो वहाँ जाके हम ले सकते हैं क्योंकि वो लोग हमें क्या प्रोडक्ट को हमारे स्किन पे पहले टेस्ट कराते हैं कि आपकी स्किन पे परफेक्टली क्या जाता है। तो वहाँ पे हमारे पास चूज करने के लिए एक ऑप्शन होता है और हमारे पास राइट
चॉइस का क्या है, पूरा प्रॉपर टाइम होता है, और क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट टेस्ट करा के देते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाता है। एक बार आप ऑफलाइन ले लीजिए अपना, फिर आपको जब उसका शेड और नंबर और ब्रांड पता लग जाएगा तो आप उसको दोबारा जब भी ऑफलाइन सेल वगैरह आए तो आप उसको इजीली आप उसको मतलब ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप उसको ऑफलाइन लें, और उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट को जब आपको उसका शेड और ब्रांड पता लग जाए तब आप उसको ऑनलाइन परचेज करें। ये टिप दोस्तों हाईली एंड हाईली रिकमेंडेड है, इसे ध्यान से सोचिएगा और इम्प्लीमेंट भी करिएगा। बिगनर्स हैं आप तो मैं आपको ये हाईली 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 रिकमेंड करूंगी कि पहले पहले आप जैसे कोई कॉस्मेटिक का फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, बिगनर भी हैं लाइक फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं किसी ब्रांड को, आपको स्विच करना है कि बहुत टाइम से एक ही चीज़ खरीद रहे हैं अब दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, तो आप उसकी फर्स्ट टाइम पहली छोटी पैकिंग, जितनी छोटी से छोटी पैकिंग अवेलेबल हो वही परचेज करें। डायरेक्ट एकदम आप बड़ी पैकिंग ना ले लें, पहले फर्स्ट छोटी पैकिंग लेके आप उसे यूज़ करें, यूज़ करना सीखें। ये देखिए कि आपको यूज़ करना अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आ गया है और आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है तभी आप नेक्स्ट टाइम उसकी बड़ी पैकिंग को खरीदे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, रिव्यूज देख के ही प्रोडक्ट को लें, बिकॉज आजकल यूट्यूब पे इतने रिव्यूज हैं कि बहुत ही, अगर हम ध्यान से रिव्यूज को देख के हम प्रोडक्ट लें और कोई जेन्युइन रिव्यू देने वाला है तो हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन भी गलत नहीं आ सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्शन वाले जो कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप फर्स्ट टाइम ऑफलाइन ही लें, और बाकी आप प्रोडक्ट्स के अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो एकदम जेन्युइन रिव्यू देते हैं उनके रिव्यू देख के अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें। ये भी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप मेकअप प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें, बिकॉज हमें नहीं पता है। इसलिए मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम लेते हैं तो छोटी पैकिंग लीजिए, बिगनर है तो छोटी पैकिंग लीजिए, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो छोटी पैकिंग लीजिए और उसका पहले पैच टेस्ट करिए कि आपकी स्किन पे उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ईचिंग तो नहीं हो रही है, पिंपल तो नहीं आ रहे, रैशेस तो नहीं आ रहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। तो इसलिए आप प्रॉपर रिव्यूज देख के और फर्स्ट टाइम जब चीज़ को आप यूज़ करते हैं, स्पेशली जो हमारे डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई होती है उसको आप पहले यहाँ पे पैच टेस्ट कर लें कि उसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है तभी आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इस तरह के पंप वाले प्रोडक्ट्स आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ये देखिए इनमें क्या होता है, डायरेक्ट हमारी स्किन टच नहीं होती है तो इन्फेक्शन और लाइक जर्म्स वगैरह जाने का प्रोडक्ट में कोई वो नहीं होता, ना ही डस्ट जाती है। इस तरह से पंप वाले प्रोडक्ट लें आप, जितना आपको चाहिए इस तरह से देखिए पंप से आप स्प्रे करिए और ये प्रोडक्ट आपके हैंड में आ गया। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह से पफ वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हाँ, जो आपके फेवरेट हो उनमें पफ वाले नहीं है देन इट्स ओके, पर कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पफ वाले यूज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके प्लास्टिक के कंटेनर वाले ही मेकअप प्रोडक्ट्स लीजिए, बिकॉज ग्लास वाले, जैसा ये भी ग्लास वाला है, ये मेबेलिन का है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को। ये मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन है, फाउंडेशन बहुत अच्छा है, पंप वाला भी है, पर इसका एक माइनस पॉइंट है कि ये ग्लास का है तो मुझे इसे बहुत केयर से रखना पड़ता है, और ग्लास के कारण क्या है इसमें वेट भी ज्यादा है, ट्रैवलिंग वगैरह में मुझे बहुत दिक्कत होती है। हाल फिलहाल तो बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं करा है, लेकिन मुझे ट्रैवल करना होगा तो मुझे इसका या तो कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा या फिर मुझे इसे बहुत केयर के साथ ले जाना पड़ेगा, बिकॉज ग्लास का है, ये टूट भी सकता है, इसमें वेट भी ज्यादा होता है और जगह भी ये ज्यादा घेरता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो प्लास्टिक वाली पैकिंग आती है, अनब्रेकेबल जो पैकिंग आती है, ट्यूब पैकिंग आती है, आप उनको ज्यादा से ज्यादा लें। वो लाइट वेट होती हैं, इजी टू यूज होती हैं और सेफ टू यूज होती हैं, और ट्रैवलिंग में तो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, बिकॉज उनका टूटने फूटने का कोई डर नहीं होता और उनमें वेट भी क्या है, लाइट होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है आपकी फेवरेट ब्रांड में तो आप प्रायोरिटी उसको ही दीजिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जगह आपके पास कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेकअप हैक्स को देखिए, उनको फॉलो करिए, बिकॉज कई कई मेकअप हैक्स इतने अच्छे होते हैं, एक तो उसमें हमारा सामान भी कम यूज होता और कम चीजों से हम अच्छा खासा एक फुल कवरेज मेकअप कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं मेकअप हैक्स की यूट्यूब पे, आप उन्हें देख के यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको इन्वेस्ट भी कम करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में, और आपको क्या है ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिएगा, और आपको क्या है डे बाय डे मेकअप हैक्स अच्छे से यूज करने भी आ जाएंगे, जिससे कि आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो मेकअप हैक्स की वीडियो जरूर देखा करिए, बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, और मैं भी बहुत जल्दी आपके लिए एक अच्छी सी मेकअप हैक्स की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, वो जरूर देखिएगा। इससे सुन के हंसिएगा मत, अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट आपने ले लिया
किया वो आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, बाई चांस गलत आ गया या आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है या आपको पसंद नहीं आया है, तो उसे अलमीरा में रख के एक्सपायरी मत करिए, बिकॉज उस पर जो इन्वेस्ट होना था वो तो हम कर चुके हैं। तो कोशिश करिए ऐसे प्रोडक्ट्स को, जब आपने आप मेकअप ऑर्गनाइज अपने मेकअप को आप ऑर्गनाइज करें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप निकाल कर और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जिसको भी जो भी आपके साथ मतलब शेयरिंग में कंफर्टेबल हो उन्हें वो गिफ्ट कर दीजिए। तो वो क्या है, कम से कम हमारे अलमीरा में रखे रखे वो एक्सपायर नहीं होंगे और मनी जो हमारी लग चुकी है वो वेस्ट नहीं होंगे और किसी के वो काम आ जाएंगे। तो इसे सुन के हंसिएगा मत, मैं भी ऐसी करती हूँ, जो चीज़ मेरी यूज़ की नहीं होती है वो मैं गिफ्ट कर देती हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस बात को इन टिप्स में इंक्लूड करा है। एक पॉइंट और दोस्तों, प्रोडक्ट्स का जो सिलेक्शन है मेकअप प्रोडक्ट्स का, वो आप सीजन के अकॉर्डिंग करिए, बिकॉज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो विंटर में यूज़ होते हैं वो समर में नहीं होते हैं, जो समर में होते हैं वो विंटर में नहीं होते, जो बरसातों के मौसम में होते हैं वो गर्मियों में नहीं होते। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करिए मौसम के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये नहीं कि हमने एक प्रोडक्ट ले लिया वो 12 महीने यूज़ होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे 12 महीने यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें स्विच करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मौसम, बिकॉज हर मौसम में थोड़ी थोड़ी हमारे स्किन में भी चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को भी चेंज करना पड़ता है, जिससे हमारा मेकअप ओवर ना लगे, नेचुरल सा लगे, सेटल सा लगे और ग्लोइंग सा लगे। तो आई होप दोस्तों मैंने सारे टिप्स कवर कर लिए हैं, अगर कोई रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं भी उसको फॉलो करूंगी। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और छोटू सा जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के बगल में उसे ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।